मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन तहरीक इंसाफ छोड़नी है। अगर की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। कुछ भागे ले गया था और वो रोड पे अपना बच्चा लेके बैठी थी दफनाने को, और वहां कोई हुकूमत नहीं है, ना कोई हुकूमत आई। आपने कहा कि जी केपी गेम में 4 लाख के घर नहीं मिले, वहां एक भी नहीं मिले, एक भी नहीं मिला। तो ये हाल है सिंध का। आपने भी पीटीआई जब ज्वाइन की थी, माशाल्लाह आप अच्छे ग्रुप के साथ आए थे और आपने काफी खिदमत भी आपकी हैं। हमारा भी एक सिंध में एक अच्छा खासा ग्रुप बन गया है। मैं कल वापस जाके पूरी मुशावरत उनसे करूंगा। बड़े सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने सिंध में बड़ा काम किया है। कुछ उसमें सीएम्स भी हैं, यानी कि 3 सीएम है हमारे, एक्स 3 सीएम है। तो मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूं, एक मशावरत करके सारों से बात करके, और मुझे पता है आपके रबते भी हैं, उन्होंने मुझे बताया भी है और मैंने इनसे कहा भी कि मैं आज यहाँ जा रहा हूँ। तो फिर अगर हम वो बैंक करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं एक अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ। वी नीड टू हैव ए पूरी स्ट्रैटेजी, आपको जैसे पंजाब की है, केपीके की है, आपको सिंध की और बलूचिस्तान के साथ की एक पूरी स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी, और वो हमारे लिए नहीं होगी, वो उन लोगों के लिए। हम तो फिर भी एसी चला के एयर कंडीशन में सो जाते हैं, उनके पास बिस्तर भी नहीं। तो मैं बस आपका शुक्रगुजार हूं, विश यू द बेस्ट। जो 9 मई को हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई कभी इसके लिए बनी थी। हमने बड़ी अपनी कोशिश की है कि चीजें मशावरत से हों, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है, कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो बेस्ट ऑफ लक। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ, जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अर्शद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।